हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर ट्रिक का पार्ट टू। जैसा कि मैंने पार्ट वन में बताया था कि मैं पार्ट टू भी लेकर आऊँगा, जिसकी हेल्प से आप लोग 1000 से भी आगे तक के स्क्वायर्स याद कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताई है स्क्वायर्स याद करने के लिए। तो चलिए उसके आगे के स्क्वायर्स की ट्रिक को आज शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने उसमें बताया था कि जो नंबर 5 से ख़त्म होते हैं वो उनका स्क्वायर आप लोग उसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। और अगर आप लोग को बहुत आगे तक स्क्वायर याद करने हैं तो आपको 25 तक तो किसी भी तरह से याद करने ही पड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों का बेडरूम है तो आप उधर पर एक पोस्टर बनाकर टांग लीजिए, जिसमें 25 तक स्क्वायर्स लिख लीजिए। और जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी तो आप उसको पढ़ेंगे तो इस तरह से रोज रोज देख देख कर आपको सारे स्क्वायर्स 25 तक याद हो जाएंगे। उसके बाद से आप लोग इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने 25 तक स्क्वायर्स याद कर लिए ये सारे, और जो स्क्वायर्स 5 से ख़त्म होते हैं वो उसकी ट्रिक तो मैंने आपको पहले वीडियो में दी है, आप उधर से देख सकते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर है 625, 25 का स्क्वायर से हमें निकालना है तो हमें कैसे निकालें, 5 का हमें पता है 25 होता है और 2 का सक्सेस 3 होता है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। तो 26 की बात करते हैं, यहाँ पर 26 का स्क्वायर निकालना है तो हम पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 25 और 24 के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो 1 का होता है। तो ये यहाँ पर जो नंबर है ये 5 है, इसमें वो 1 ऐड कर देंगे तो 5 में 1 ऐड करने पर हमारे पास आएगा 6। और यहाँ पर जो दो नंबर है 76, इसको ऐड कर देंगे तो 26 का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आएगा 676। इसी तरह से 27 का निकालने में सबसे पहले ये देखेंगे 27 ये 23 के सामने लिखा हुआ है, तो 23 और 25 के बीच का डिफरेंस देख लेंगे 2 होता है। और यहाँ पर 29 है तो 29 पहले एज इट इज लिख देंगे और 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 5 में 2 ऐड कर देंगे तो आएगा 7। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। इसी तरह से हम लोग 29 का निकाल लेंगे, 28 का निकालेंगे पहले, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो 22 और 25 के बीच का डिफरेंस 3 का है और यहाँ पर 4 है तो 4 में 3 ऐड करने पर हमारे पास आएगा 7। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और 84 ऐसे लिख देंगे तो ये निकल कर आएगा 784। आप लोग इसी तरह से सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, पूरे 50 तक ऐसे ही निकाल कर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 21 और 25 के बीच में 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर है 4, तो 4 में 4 ऐड करने पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर है 40। तो ये तो एज इट इज लिख देंगे हम, और 4 में 4 ऐड करने पर 8 आता है तो इधर 8 आ जाएगा। तो 29 का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आएगा 841। तो 30 का तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 है, 0 को डबल कर देंगे तो आप निकल कर आएगा 900। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब ये देखेंगे 19 और 25 के बीच का डिफरेंस है 6 का और यहाँ पर है हमारे पास 61, तो 61 तो एज इट इज लिख देंगे और 6 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में तो 3 में 6 ऐड करने पर हमारे पास आएगा 9। तो 31 का स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आएगा 961। मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, 31 इंटू 31। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले एडिटिव आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 होता है तो ये निकल कर आएगा 961। तो इसी तरह से 32 का देखते हैं, 18 और 25 के बीच का डिफरेंस होता है 7 और यहाँ पर है 24, तो 24 एज इट इज लिख देंगे और 3 में 7 ऐड करने पर आएगा 10, तो 32 का स्क्वायर निकल कर आएगा 1024। इसी तरह से ये 17 का देख लेते हैं, 17 और 25 के बीच की में 8 का डिफरेंस होगा और यहाँ पर 89 एज इट इज आ जाएगा और 2 में 8 ऐड करने पर आएगा 10, 33 का स्क्वायर आएगा 1089। इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 9 का, 9 तो यहाँ पर 56 है
और टू में 9 8 10 निकला है 11, 34 का स्क्वायर होगा 1156, 35 का आप लोग पहले जो वीडियो में जो मिस्टेक दी थी उससे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का सक्सेसर होता है 4, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12, और इस इधर से भी निकाल सकते हैं जैसे कि 25 और 5 में डिफरेंस होता है 10 का, और यहाँ पर है ये 25, तो 25 ऐसे लिख दें एज इट इज, ये आ गया। यहाँ पर 2 है तो 2 में 10 ऐड करने पर आया 12, तो ये आ गया 12, तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। 14 और 25 के बीच का डिफरेंस देखते हैं 11 होता है, ये 96 एज इट इज लिख दें, यहाँ पर 1 है तो 11 में 1 ऐड करने पर आएगा 12, तो 36 का स्क्वायर निकल कर आ गया 12 96, उसका ये दिखा देता हूँ, उसका 6 6 36, यहाँ पर 6 आएगा, ये 3 6 3 जो 18 19 20 21 3 6 जो 18 8 आएगा, ये 1 आएगा, 3 10 6 8 प्लस 1 9, ये आ गया 1 2 9 6, ये इसके ऊपर। इसी तरह से 13 और 25 के बीच डिफरेंस होता है 12 का, तो 69 तो ऐसे ही आ जाएगा जिट इज, और 12 में 1 ऐड करने पर आ जाएगा 13, तो 37 का आएगा 13 69, 12 और 25 के बीच का डिफरेंस होगा 13 का, तो 44 तो एज इट इज आ जाएगा, तो इधर पे 13 का डिफरेंस है, 13 में 1 ऐड करने पर आएगा 14, तो 38 का स्क्वायर आएगा 1444, इसका प्रूफ कर लेते हैं। 8 8 64 6 6 24 6 30 24 4 9 11, ये देखिए निकल कर आ गया, आप लोग चाहें तो हर क्या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इसी तरह से 11 और 25 के बीच डिफरेंस हो जाएगा 14 का, यहाँ पर 21 एडिटेड आ जाएगा, और 1 और 25 के बीच में डिफरेंस है 14 का, तो 14 में 1 ऐड करने पाएगा 15, तो 39 का स्क्वायर निकल कर आएगा हमारे पास 1521। 40 का तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 डबल कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1600, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 0 0 एज इट इज आ जाएंगे, और जीरो के बीच में डिफरेंस होता है 15 होता है, तो 15 में 1 ऐड करने पर 16 आएगा, ये 16 है। तरह से ये देखते हैं यहाँ पर 41 का, तो इधर भी हम दोनों नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे 81, और 9 और 25 के बीच का डिफरेंस होगा 16, तो 16 पूरा यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 ऐड करने पर 16 तो 16 ही आएगा, तो 16 81 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 64 एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 17, तो 17 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये देखते हैं 42 41 का होगा 1681, ये 1764 होगा 42 का। अब 43 का देखते हैं, यहाँ से 49 एज इट इज लिख देंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 18, तो 18 लिख देंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 16 17 18 19 20, ऐसे कल करके ये चलता है। यहाँ से देखते हैं 36, ये 36 आ जाएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा 19, तो 19 आ जाएगा। एक का प्रूफ करके दिखाता हूँ, 44 का आपको 4 4 16 6 आएगा, 4 4 16 17 निकल कर आ गया, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 45 का तो निकाल सकते हैं, 5 का 25 होता है, 4 का 5 होता है, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, ये निकल कर आ गया 2025। 46 का देखते हैं, यहाँ से 16 एडिटेड आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 21, 25 और 4 का डिफरेंस होगा 21, तो यहाँ पर आएगा 21। इसी तरह से 9 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मेरा नंबर है, तो हम 0 ले लेंगे,
और फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 22 वो लेते हैं, तो ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा 22209। इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ, 48 का देखते हैं 4 है 4 लिखेंगे 0 लगाएंगे और इन लोगों के बीच के डिफरेंस होगा, निकाल कर दिखाता हूँ एक बार। 25 और 3 के बीच का डिफरेंस लेना है, 25 और 3 के बीच का डिफरेंस लेना है, तो 5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 23। इस तरह से अगर 23 आ जाए, 49 इधर पे बना है, बन लिखेंगे 0 लगाएंगे, 24 डिफरेंस होगा, 24 लिखेंगे और 50 तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ये सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, और इससे आगे निकालने के लिए आप जब आप 50 तक स्क्वायर्स याद हो जाएंगे तो आप इस तरह से इस लाइन में 50 तक लिखते जाएंगे, 49 लिखने के बाद नीचे बेस में 50 ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिया है। आप लोग 50 तक याद करने के बाद बेस में 50 को ले सकते हैं, उसके बाद फिर ऊपर 51 52 इस तरह से लिख कर 100 तक लेकर जा सकते हैं, उसके बाद 100 को बेस ले सकते हैं और 200 तक याद कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टेप का यूज़ करके 1000 2000 जितना भी आप चाहो उतने तक स्क्वायर्स याद कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।